बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हमारी दुआ आपके साथ है। तो यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी है, तो आप देख सकते हैं मौसम यहाँ का कैसा है, पूरे बादल ही बादल बने हुए हैं और बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पूरा जो है पानी पानी है छत पर, और नीचे से भी आप कंडीशन लगा लें, पूरी ज़मीन जो है वो पूरी गीली है और पानी पानी जगह जगह भरा हुआ है, लेकिन ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है क्योंकि धूप निकल आती है। तो अभी है हमने, हाँ पिंजरे भी पानी है, देख सकते हैं पानी, पिंजरे भी पानी है और कबूतर जो हैं अपने नहा के बैठे हुए हैं, इन्हें मज़ा आ गया नहा कर। तो अभी हम कबूतर भी बाहर निकालते हैं। तो अभी आया था छत पे और कल जो बना रहा था पिंजरा उसकी वीडियो भी शेयर नहीं की मैंने, ये देखे पिंजरा भी अधूरा पड़ा हुआ, अभी तक बनाना है इसे भी, लेकिन स्टैंड ये रखा हुआ है लेकिन अभी नहीं बना रहा मैं, पानी के जो है यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये रख दिया मैंने डब्बा यहाँ पर, बाद में इसे धोकर पानी भर के नया रख दिया जाएगा। और अभी हम निकालते हैं अपने कबूतरों को बाहर, देखते हैं क्या कंडीशन है, बाहर आते हैं ये, उसके बाद ये सूख जाएंगे। आओ 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 आओ। तो एक बार से भी कबूतर के पर भी खुले हुए हैं, अभी तक इन्हें उड़ाया नहीं है, तो आधा गेट बंद कर दिया, इन्हें मैंने उड़ाया भी नहीं है और ये कबूतर जो है खुले हुए हैं। तो अभी देखते हैं ये लोग अभी क्या करते हैं, इन्हें थोड़ी देर छोड़ते हैं। और ये क्या कबूतर पिंजरे पे, तो ये दूसरा भी गया, तो इसी तरीके से ये रेसल जाने की कर रहा है, लेकिन हम जोड़े इसके लिए हम पिंजरा बना रहे हैं, जोड़े पे डाल पिंजरे बिठाएंगे पेयर को। तो एक भाई ने कमेंट्स में कहा भी है कि ब्लू बार और ब्लैक जो हैं ये बबरे, ये कबूतर आप रखें और इन्हें आप उड़ाएं, ये बहुत अच्छा कबूतर है। तो ये इतनी मुश्किल से ऊपर गया क्योंकि गीला हुआ हुआ है। तो अभी जो है कुर्सी यहाँ पे रखी है, हम रात को कभी कभार आके बैठते हैं, मीटिंग मीटिंग होती है छतों पे। यहाँ पर भी बहुत बड़ी कबूतरी बाजी है और इस तरफ भी आप देख सकते हैं बड़ी कबूतरी बाजी है, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कबूतर का शौक, तो कबूतर ही कबूतर हैं। लेकिन व्यूअर्स जो हैं वो देखना पसंद नहीं करते हैं, कुछ व्यूअर्स मैंने वीडियो भी डाली थी ना, तो कुछ व्यूअर्स जो हैं वो देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें गोला कबूतर, तो गोला कबूतर का ही शौक करवाएं। तो इसी वजह से हमने जो है गोला कबूतर का ही उन्हें शौक करा रहे हैं। तो वो देखें, वो तीनों कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं, तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, देखें ये दीवार पर आ गया एक कबूतर उड़ के, वो देखें उड़ने ही करता रहता है, पता नहीं उसका क्या माइंड बना हुआ, कहाँ जाना चाहता है उसे पता ही नहीं है, उसे दाना दिखाओ तो फिर भाग के आ जाता है, वरना तो वो क्या मूड ऐसा होता है कि मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊं उड़ के, तो कुछ कह नहीं सकते। वो नीचे आ गया, तो नीचे ही घूमना चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है। तो ये भी उड़ के ऊपर जाने की कर रहा है, लेकिन है तो ये गीला, पता नहीं उड़ सकेगा या नहीं उड़ सकेगा। तो अभी जो है बादल आप देख सकते हैं वहाँ से कैसे बादल निकल रहे हैं, आसमान की तरफ उठ रहे हैं, और यहाँ पर भी देखें बादल हैं, मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है। और ये रखा हुआ है पानी, मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर चाहे आप ये देख लें कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, सर्दी क्यों ना हो, लेकिन पंखा चल रहा है, ऐसे यहाँ पर भी वर्किंग पे हैं, वर्किंग हो रही है। तो सामने देख सकते हैं वो रैम्पो निकला हुआ है, रैम्पो सामने, मोबाइल में तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा लेकिन रियलिटी में ऐसा VIP लग रहा है रैम्पो, सामने से देखें इतना खूबसूरत दिख रहा है। मैं उसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप भाइयों को, जूम में तो मेगापिक्सल ही फट रहे हैं तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, सामने ये ऐसे जा रहा है और वहाँ से ये ऐसे अंदर जा रहा है। तो अभी हम कुर्सी में बैठने का सोच रहे थे लेकिन पानी इतना है कुर्सी में कि हम बैठ रहे हैं नीचे, पानी देख रहे हैं, बस पानी आया हुआ सारा, तब ये कुर्सी सूखेगी तो तभी हम इसमें बैठ सकते हैं, तो बैठ भी नहीं सकते। तो अभी कबूतर भी खोल दिए और मैं भी यही करता हूँ कि इस तरफ नीचे आराम से बैठ जाता हूँ, क्योंकि नीचे जगह साफ़ है, काशी है और पत्थर है लेकिन जगह बिल्कुल साफ़ है, तो नीचे बैठ गया हूँ मैं। और अभी देखते हैं कबूतर को खुला छोड़ा हुआ है क्या करते हैं और ये क्या नहीं करते, इन्हें भी देखते हैं। तो ये कबूतर भी फाइनली ऊपर उड़ के बैठ चुका है, लेकिन ये गीला हुआ हुआ है, सूखेगा तो वो उड़ के पता नहीं कहाँ जाने का सोच, उसकी सोच पता नहीं क्या बनी हुई है कबूतर की, क्योंकि वो दूसरा छत जो है वो बिल्कुल नज़दीक है ना, तो वो उस घर पे जाने की सोच रहा है। तो इसे हम वापस बुलाते हैं, ये देखें अभी दाना दिखाया तो ये आ गया, अभी सभी आ जाएंगे भाग के, जो भूखे हैं वो सभी इधर ही आएंगे। मैंने कल भी बताया था कि दाना
कबूतर का आप पकड़ के रखें, क्योंकि कबूतर आपके हाथ पे चले अपनी मर्जी पे होंगे तो कबूतर फिर उड़ के भाग जाएंगे, तो इसके लिए दाना जो है वो कबूतर का पकड़ के रखें, मैंने कल भी बताया था। और अभी जो है रोकते हैं वीडियो और देखते हैं, इसे कुछ ज़्यादा भूख लगी हुई है तो ये ज़्यादा करीब भाग के आ रहा है दाने के लिए, और वहाँ पर जो है वो सिस्टम चल रहा है उसे भी देख लेते हैं। तो मैंने इरादा ये बनाया था कि दोनों कबूतरों का बबरों का भी पर खोल दूँ, लेकिन चले पिंजरा बनाते और इन्हें जोड़े में बिठाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। आओ आओ आओ, तो वो देखिए वो उड़ के जाने की कर रहा है। आ बेटा आ आओ 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 आ बेटा, तो मैंने दाना दिखाया तो ये भी नीचे होता है तो उड़ के जाने ही कर रहा था, और गिला भी इतना हुआ है, उड़ेगा तो सीधा गिर जाएगा, उड़ भी नहीं सकेगा। तभी देखते हैं फिलहाल क्या करता है ये, दाने पे नीचे नहीं आ रहा है, दाना फेंका है मैंने, अभी आ गया नीचे आ गया, और नीचे आने में इतनी दिक्कत हो जाएगी, पर इतने पूरे गिले हुए पड़े उड़ के कहाँ जाएगा। तभी बैठ के हम भी देखते हैं और फिर आपके साथ थोड़ी देर बाद फिर वीडियो शेयर करते हैं। तो इधर से ऊपर बैठा हुआ है कोने में और डर रहा भी है, दोबारा से फ़ौरन ऊपर भाग गया इतना जल्दी। आ बेटा आ आओ 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 आओ, तो वापस से नीचे उतर आया है, दाना खा रहा है। तो घूमने देते हैं और देखते हैं, कबूतर में बहुत फुर्की है, बहुत स्पीड है कबूतर, वो देखें कैसे भाग गया ऊपर, एकदम ऊपर भागा वापस से। वापस बुलाते हैं, आ बेटा आओ, वापस से नीचे आ गया, बस भूखा बहुत है और इसी दाने के लिए ऊपर ऊपर भाग गया दीवार पे। आओ 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 आओ, फिर से नीचे बुलाया, ये आ गया। आ बेटा आओ, इसे दाना देते हैं, एक आध दाना, दाना एक उठा लिया है। तो बस ये मोटा दाना होता है यहाँ का, ये जल्दी से कबूतर का पेट जो है भर देता है, तो इसके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इस दाने का, कमती कमती करके दिया जाता है, अगर हम इतना दाना फेंकेंगे तो इनका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा। आओ तो इधर से ऊपर देखें, कबूतर आए हैं, पता नहीं किनके हैं किनके नहीं है, हमने बुलाया है कोई कबूतर भी उतरने के मूड में नहीं है, सारे ही चले गए। तो ये भी रेसर कबूतर है, पता नहीं किनके हैं किन भाइयों के नहीं है, वो गए वो जा रहे, जंगली कबूतर है, रेसर नहीं है, जंगली कबूतर थे, जंगली हैं जंगली, मैं रेसर समझा था कि जंगली कबूतर निकले, तो अपने कबूतर सारे ऊपर बैठ गए, तो बैठने देते हैं इन्हें, वो भी ऊपर जाने ही कर रहा था, एक कबूतर ही से हमारा बंधा हुआ है, बाकी सबके पर खुल चुके हैं। आओ आओ आओ, तो अभी बाकी सबको हम नीचे बुलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कबूतर ही आया है, आ बेटा आओ, अरे उतरने ही कर रहा है, ये आया, उतरा उतरा विवर्स, ये उतरा ये उतरा ये उतरा ये उतरते उतरते गया विवर्स, कबूतर आया था उतरते उतरते चला गया, चले खैर है विवर्स होता रहेगा, पकड़ेंगे कबूतर, यहाँ पे भी कबूतर है विवर्स, ऐसी बात नहीं है, तो उसने उतरने की हरकत की लेकिन उतरा नहीं। तो विवर्स देखते हैं आगे क्या होता है, यहाँ पर भी लोगों ने रखे हुए हैं कबूतर, भाग जाते हैं किसी के, तो बस यहाँ पर ज़्यादातर बड़े साइज़ के बड़े टाइप के कबूतर लोग रखते हैं, रेसर टाइप के। आओ 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 आओ, तो अभी उसने मुँह ही उठा लिया, आ रहा ही नहीं है दाने पे, आ जा आ बेटा आ जा 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 आ जा, तो अभी आ गया ही बस। तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो रही है, तो मैंने बंद करता हूँ और चलता हूँ नीचे की जाने, फिर इंशाल्लाह अगले दिन की वीडियो जो होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज दूसरा दिन है इन्हें खोलकर, तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हें हम तावे दें, लेकिन अभी दूसरा दिन है तो इन्हें दो एक दो दिन घर को पकड़ने देते हैं, फिर हम तावे इन्हें उठाएँगे, क्योंकि हम जैसे ही तावे उठाएँगे फट नहीं जाए कबूतर, भरोसा नहीं है ना कबूतर का, तो इसके लिए क्योंकि कमती है ना कबूतर, आज गिले भी हुए हैं क्योंकि बारिश की वजह से। आओ आओ, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना शेयर करना, हमें भी दुआओं में याद रखना, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।